हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरिब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन की मुहिम जारी शुक्रवार को पाटाढाना में 11 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जिला भाजपा के संगठन पदाधिकारियों की कामकाजी बैठक में तैयार हुई आगामी रणनीति विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक्शन मोड में बुधवारी क्षेत्र में महिला की दुकान पर रात में अनजान शख्स ने लगाई आग सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो पुलिस कर रही मुस्तैदी से तलाश और संक्रांति पर शहर पतंगबाजी को तैयार 11 फीट की विशाल पतंग बनाई गई शनिवार को मनाया जाएगा पतंग उत्सव नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल तो अब खबरें विस्तार से नगर निगम क्षेत्र पाटाढाना में शुक्रवार को निगम का अमला एक बार फिर हरकत में आया और अतिक्रमण तोड़ो अभियान चलाया गया इस अभियान के तहत पाटाढाना की 11 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया इस अभियान में क्षेत्रवासियों की तरफ से किसी भी रिएक्शन के मद्देनजर पुलिस अमला मुस्तैद था नगर निगम की राजस्व विभाग की टीम साथ ही तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई नायब तहसीलदार और प्रशासन के राजस्व विभाग ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कलेक्टर महोदय के निर्देश पर SDM छिंदवाड़ा अतुल सिंह जी और नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह जी की टीम द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है और जो टीम गठित की गई है उसके द्वारा लगातार प्रायोजित कब्जे द्वारा जो अतिक्रमण करवाए जा रहे हैं शहर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है पिछले दिनों सोनपुर में जो प्रायोजित कब्जा था उसको हटाया गया था आज इसी कार्रवाई के अंतर्गत पाटाढाना क्षेत्र में जो खसरा नंबर 42 है उसमें जो पानी मद की जमीन है नाले की जमीन है उस पर लगातार जो प्रायोजित कब्जे हो रहे थे लोगों ने मकान झुग्गी कच्ची झुग्गियाँ बना ली हैं उनको आज नगर निगम के अमले पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम द्वारा मिलकर हटाया जा रहा है लगभग 11 एकड़ में यहाँ लोगों ने अपनी झुग्गियाँ बना ली थी उनमें कोई रह नहीं रहा था किसी को यहाँ से घर से बेघर नहीं किया गया है ये प्रायोजित कब्जे हैं जिनको चिन्हित कर करके क्षेत्र में हटाया जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी के पदाधिकारी पूर्व विधायक एवं संगठन के सदस्य जुटे मौका था कामकाजी बैठक का भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की उपस्थिति में बैठक में संगठन की गतिविधियों एवं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति एवं पदाधिकारियों की भूमिका के साथ ही संगठन विस्तार पर चर्चा हुई सोशल मीडिया ये जो चलेगा ये पांच लोगों की
हमारी शक्ति केंद्र की टोली होगी, ध्यान में आ गया, पांच लोगों की हमारी शक्ति केंद्र टोली होगी। ये टोली की बैठक प्राइवेट विद्यालय, तो प्राइवेट विद्यालय में जो प्रभाव रखने वाला वो कौन जाएगा, हमारे किसी प्रमुख व्यक्ति की हो तो उस पर बातचीत करना। और उसके साथ साथ हमारा 29 तारीख को जो मन की बात का कार्यक्रम है, बस सुबह सुबह 6 बजे को उठा कर ले जाते हैं, तो ये बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, बंद ना करो तो घूमने नहीं सकते। माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय कुमार जी, उपस्थित प्रमुख से माननीय दुबे जी, माननीय दत्तन शाह जी, माननीय दौलत सिंह जी, माननीय बैद जी, बाकी अधिकांश का भी परिचय चौरे जी और मावन जी। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से हमारे जिले के संगठन के प्रभारी संतोष पारेख जी, हमारे जिले के विस्तारक के रूप में आए सम्मानीय अशोक यादव जी एवं जिले के वरिष्ठ नेताओं एवं मंडल अध्यक्ष एवं जिले के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई थी। आगामी दिनों में 22 तारीख को हमारी जिले की कार्य समिति है एवं 23 तारीख को मंडलों की कार्य समिति है, इसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई। यह कामकाजी बैठक थी, आगे के पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के हमें सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन जिले के प्रभारी, जिले के विस्तारक के द्वारा दिया गया। शहर के बुधवारी इलाके में कालीमठ मंदिर के पास एक दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। यह दुकान पतंग एवं मिट्टी का सामान बेचने वाली महिला की है, जिसके पति का पिछले दिनों स्वर्गवास हो चुका है। महिला दुकान से मिट्टी का सामान और पतंग बेचकर अपना घर चला रही थी। गुरुवार रात यह आग लगी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगाना पाया गया। पुलिस फोटो में दर्ज व्यक्ति की तलाश कर रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी दुकान में रखा 80,000 का सामान जलकर खाक हो गया। यह दुकान ही उसके जीविका का एकमात्र साधन थी। वो दौड़ के भाग गया, लाल कलर के कपड़े और जींस दिखा। तो इसको पहचान में आ रहा जो कुछ नहीं आ रहा, वो उसको वो तो नहीं है क्या? क्या हुआ, कैसे आग लगी? इसको तो मिलने में नहीं जाने, रात की बात है, इन लोग ने बुझाने आए हैं, इनने पानी डाले, इनने सारी जानकारी इन लोग को। कितने बजे करीब? 3:30 बजे की बात है। क्या क्या नुकसान हुआ है? पतंग जली है, मटके हंडी पाल पाल। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? आप 70-80 हज़ार रुपये का माल होगा मेरा सब मिला। कहाँ रहते हो आप? हुआ कैसे आग लगी? ये रात को 3 बजे की खबर है, ये इन लोग बाजू वाले ने आवाज़ लगाए तो हम लोग उतर के आए तो देखे तो अंगार लग रही थी। अब किसने जलाया ये पता नहीं, पतंग थी और ढेर सारे बर्तन थे, वो जल गए। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग 1 लाख रुपये लगभग। क्या सामान था अंदर? ये मिट्टी के बर्तन और पतंग। आपका नाम? मेरा नाम रमन माली है। छिंदवाड़ा शहर में मकर संक्रांति की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 2 साल के कोरोना काल के बाद यह खास मौका होगा जब शहरवासी पतंगबाजी कर पाएंगे और संक्रांति पर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त भी ले पाएंगे। ऐसे में शहर के पतंग बनाने वाले शिवम गुप्ता ने इस बार 11 फीट की विशाल पतंग बनाई है, जो आकर्षण का केंद्र है। बुधवारी बाजार की कालीमठ मंदिर के पास बड़ी संख्या में पतंग विक्रेता अपनी दुकानें सजाते हैं। यही रहते हैं शिवम गुप्ता, जिन्होंने 10 इंच से लेकर 11 फीट तक की पतंग बनाई है, यानी छोटी से लेकर विशाल पतंग सभी इनके पास, और पतंगबाज भी इन्हें खरीदने के लिए बेताब है। शिवम गुप्ता ने अपनी सबसे बड़ी पतंग की कीमत 1,001 रुपये रखी है। इसे उड़ाने के लिए मोटे ट्यूल धागे की जरूरत पड़ेगी और इसे उड़ाना तो आसान है, लेकिन संभालने के लिए जानकार पतंगबाज लगेगा, क्योंकि उड़ने के बाद इसे साध कर रखना भी एक हुनर है। शहर में 14 तारीख को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व को लेकर खरीदारी जमकर चल रही है। कहीं तिल के पकवान बन रहे हैं तो कहीं पतंगे खरीदी जा रही है। क्या सोचा था आपने ऐसा, जो इतनी बड़ी पतंग आपने शायद छिंदवाड़े में पहली बार बनी है? ये जो पतंग बनी है ये लोगों की डिमांड पर बनी हुई है। ये पतंग मतलब टोटल 3 बने हुए थे, तो 2 पतंग जा चुके हुए हैं और एक और पतंग मतलब संक्रांति के जो अपना पर्व है मतलब हिंदू लोगों का, एक उसको एक विशाल रूप देने के लिए इतनी बड़ी पतंग को अपने बनाया। मतलब क्या कहना चाहते हैं लोगों से आप, इतनी बड़ी पतंग बनाई है, क्या प्राइस रखा है इसका? इसका प्राइस अपने 1,001 रुपये रखा हुआ है। बाकी जो पतंग गई है अभी 2 और बनाए थे, वो चली गई? बिक गई? वो चली गई 2 पतंग, वही मतलब इसी प्रकार की बनी हुई थी,
और अपन फिर इस पर्व को जैसे पहले की लोग उतने अच्छे से नहीं मनाते थे, लेकिन अब उससे लोगों ने इंद्रश यदन चाहते कि ये अपना हिंदू का त्यौहार है, तो अपने जितने भी हिंदू त्यौहार सब अच्छे से मनाए, और उसके लिए पतंग हमने निर्मित किए। इस पतंग को उड़ाने के लिए कुछ खास धागे की ज़रूरत होगी? हाँ, ये अपना ट्यूल जो आता है मोटा वाला धागा, उससे ही पतंग उड़ेगी। आपका नाम? ओम शिवम। एक संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर किरार समाज छिंदवाड़ा नाराज है। शुक्रवार को समाज के सदस्यों ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत की एवं कार्यवाही की मांग की। जिला किरार समाज के सदस्य, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, सभी ने विगत दिनों करनी सेना के सदस्यों पर सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और पुलिस से ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। उनका कहना था कि प्रदेश के मुखिया के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बेहद आपत्तिजनक है और पुलिस इस मामले में कार्यवाही करे। जय किरण, जय सूरज, जय किरण, जय सूरज। सूरज जी के सम्मान में किरार समाज मैदान में, सूरज जी के सम्मान में किरार समाज मैदान में। आज हमारे किरार समाज के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो हमारा गौरव है, सम्मान है, अभिमान है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही स्वाभिमान है, और उनके लिए हम लोग सभी बहुत ही समाज के लिए गौरव है। आज कल हम लोग ने सुने कि एक वीडियो के माध्यम से कि करनी सेना वाले हमारे समाज के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को गलत शब्द का उपयोग कर रहे थे। उनको ये नहीं बोलना था ये सब, क्योंकि हमारी समाज एक मान सम्मान वाली समाज है, और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जय किरार, जय बलराम। जो ज्ञापन सौंपने आए हैं, हम लोगों ने कल व्हाट्सएप के माध्यम से देखा कि करनी सेना के द्वारा हमारे सरमान, हमारी समाज के वरिष्ठ और हमारे मध्य प्रदेश के रत्न, हमारी समाज के सबसे वरिष्ठ शिवराज सिंह जी चौहान, जिनके बारे में करनी सेना के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई। मैं उस टिप्पणी का पूरी तरह से विरोध करता हूं और शासन से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो किरार समाज के लोग सड़क पर उतर के और प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके और सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से, और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999, आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से, आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ, फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
शहर के वार्ड नंबर 12 स्थित भारतीय विद्या मंदिर में अध्ययनरत प्राथमिक शाला के 30 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर स्वेटर भेंट किए गए। समाज सेवी पिंकी रिंकू नैयर के सहयोग से रघुवंश मातृशक्ति संगठन ने यह स्वेटर स्कूल के बच्चों को दिए। इस अवसर पर रघुवंशी मातृशक्ति की विनीता चौधरी, अर्चना ठाकुर, सपना ठाकुर, भावना ठाकुर, रानी चौधरी, किरण रघुवंशी सहित शाला प्रचारी नरेंद्र चौधरी उपस्थित थे। यस सर। दिनांक 13/1/23 को हम रघुवंश मातृशक्ति संगठन के सभी सदस्य यहाँ भारतीय विद्या मंदिर स्कूल बिंद्रा कॉलोनी में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमने श्रीमान रिंकू नैयर जी के द्वारा स्वेटर वितरण का कार्य किया है। इसमें हमारे साथ में उनकी धर्मपति श्रीमती पिंकी नैयर जी उपस्थित रही हैं और हम उनके इस सराहनीय कार्य के लिए समस्त रघुवंश मातृशक्ति संगठन की ओर से हृदय से आभारी हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जन जागरण मंच द्वारा पोला ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का गुरुवार को फाइनल मैच के साथ समापन हुआ। स्वर्गीय जयचंद जी जैन की स्मृति में आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता में गुरुवार शाम 6 बजे फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें भोपाल और जबलपुर की टीमों के बीच रोमांचक कबड्डी मैच खेला गया। इसमें जबलपुर ने एमपी पुलिस भोपाल को पराजित कर अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। दर्शकों से खचाखच भरे मैदान में आमंत्रित अतिथियों में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रबान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक रमेश दुबे, ताराचंद बावरिया, अशोक यादव, नथन शाह कवरेती का स्वागत रमेश पोफली के नेतृत्व में जन जागरण मंच के सदस्यों ने किया। इस अवसर पर जन जागरण मंच के संरक्षक दिनकर राव पोफली विशेष रूप से उपस्थित थे। भैया मत समझो यार, इसको भी बता क्या कितने अंक हो गए? 50-13 से आगे जबलपुर की टीम। 50-13 भाई, जब तो मैं कहूँ शांति का आया सोपान हमारी समापन की ओर है और जन जागरण मंच का यह प्रयास छिंदवाड़ा की इस खेल नगरी के लिए निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हमको दे के जाएगा, सिखा के जाएगा और आने वाले साल में हम हमारा प्रयास, आपका सहयोग, अच्छा खेल, अच्छा टूर्नामेंट आपको पुनः उसी तारीख में, उसी वेशभूषा में, उसी परिवेश में, उसी जगह हम यहाँ पर मिलेंगे। जिला स्तर का हमारे इन छिंदवाड़ा जिले के होनहार खिलाड़ियों का और जिला स्तर पे विजेता और हमारा जो सांत्वना पुरस्कार सेमीफाइनल लूजर का 15,001 रुपए की राशि, राष्ट्रीय प्रतियोगिता की उप विजेता ट्रॉफी ट्राफी दी जाए चमचमाती ट्राफी, आदरणीय गोपाल सिंह ठाकुर जी की स्मृति में ट्राफी दी जा रही है। अभिषेक पच्छन की टीम से खेलते हैं आप, बहुत अच्छा खेल, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात। अरे भैया युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और भारत आज दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र है। उनकी जन्म जयंती की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जन जागरण मंच के संयोजक पोपली जी द्वारा विगत 31 वर्षों से उनके जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम कराया जाता है, जिसका अखिल भारतीय स्वरूप इन्होंने बनाया है और पूरे देश में इस कबड्डी प्रतियोगिता की बहुत चर्चा होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाए ना जाए, पर खेल के मैदान में आप जरूर जाएँ, क्योंकि खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ अगर युवा रहेंगे तो देश की उन्नति और विकास करेंगे। इसलिए आज मैं सभी देशवासियों से, खास करके युवाओं से कहना चाहता हूँ कि परोपकार को अपना माध्यम बनाएं। परोपकार जीवन है और जो परोपकार छोड़ दे वो मृत्यु है। जीवन में एक ना एक कोई राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा जयंती के अवसर पर हम लें। सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सभी के जीवन में जीवन मंगलमय हो,
और स्वामी विवेकानंद जी ने जो 21वीं सदी भारत की सदी होगी वो सपना हम सब मिलकर साकार करें। जन जागरण मंच प्रतिवर्ष श्री स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के सुअवसर पर 4 दिवसीय अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करता है। श्री जयचंद जी जैन की स्मृति में और यह प्रतियोगिता जब से उनका देहावसान हुआ तब से उनके स्मृति में करने का मंच ने निश्चय किया। यह हमारे कबड्डी का 31वां वर्ष है। विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए और आज हम कबड्डी को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। कबड्डी का खेल हमारा देशीय है, विलुप्त हो गया था तो उसे पुनर्जीवित करने का संकल्प जन जागरण मंच ने लिया और उस संकल्प में और हम सफल होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि पूर्व अपने जो राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डियां होती हैं उन कबड्डियों के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों में भी आज कबड्डी का डंका बज रहा है और लगभग विश्व के 60 देशों में कबड्डी खेली जाती है। और इस दृष्टि से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज सफल होते हुए और इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। इसमें छिंदवाड़ा नगर सहित संपूर्ण सहयोगी बंधुओं का, मीडिया का, हमारे छिंदवाड़ा के प्रतिष्ठित नागरिकों का, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग है, तब जाके हम इतना बड़ा काम करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी संगठन खड़ा करना और उसको स्थायित्व देने में बहुत फर्क है और हम कोशिश यही रहती है कि हमारा संगठन स्थायित्व को प्राप्त करे और 31वां वर्ष उसका आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। टीमों ने भाग लिया और कहाँ की टीम विजेता है? 29 टीमों ने जिला स्तर में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर 10 टीमों ने और भाग लिया और जबलपुर जो हमारी संस्कार धानी वहाँ की टीम राष्ट्रीय स्तर पर विजयी हुई है और उप विजय हुई है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल। कितना कितना इनाम दिए थे? 1,01,000 रुपये विजेता को, 50,001 रुपये उप विजेता को और तृतीय और चौथी जो सेमीफाइनल खेली थी उनको 15,000 रुपये दिया था। बेस्ट कैचर और बेस्ट ट्रेडर का भी और हमने इनाम दिया है। जिला स्तर पर हमने 10,000 रुपये 15,000 विजेता को, 10,000 उप विजेता को और बेस्ट कैचर बेस्ट ट्रेडर का भी। हाई स्कूल नोनिया करबल में सूर्य नमस्कार का आयोजन गुरुवार को किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 45 के पार्षद धनराज भावरकर भी उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में एक युवक ने स्वयं को धारदार हथियार से घायल कर लिया, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक ने स्वयं के पेट पर धारदार हथियार से 6 बार वार किया, जिससे उसके पेट में गहरे घाव हुए हैं। 21 वर्षीय सत्यम गेंदलार अरेवा, जो कि राजेंद्र नगर कुंडीपुरा क्षेत्र का रहने वाला है, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस संबंध में जांच प्रारंभ कर दी है। अभी तक युवक द्वारा स्वयं को क्यों घायल किया गया इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। अंतर्गत एक युवक ने धारदार हथियार से खुद को घायल कर लिया, क्या है मामला? ये कल शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने धारदार हथियारों से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ है। मौके पर पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंची, जिसमें युवक ने स्वयं को ही धारदार हथियार से हमला करने के बारे में बताया और उसका कारण उसने बताया कि वह अत्यधिक शराब के नशे में था। पूछताछ हो चुकी और मामले में जांच जारी है। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में आयोजित सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता में रोमांचक मैचों का दौर लगातार जारी है, जिसमें एक से एक मैच देखने को मिल रहे हैं। शानदार गेंदबाजी, 31 गेंदों का सामना किया और 36 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए आईपीएस के लिए चुभेस और उज्जवल सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे, इसी तरह की गेंदबाजी।
उतनी अच्छी वापसी महापौर 11 की। खाना उनको लंच खाना खाएगी नहीं अच्छी गेंद बीट हुए वहां पर बल्लेबाज नो बॉल का इशारा फ्री हिट आती हुई स्कोर थमा हुआ। पिछली दो टॉट गेंदे इन अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता महापौर एकादश के लिए। कट कर दिया है खूबसूरत कट वहां पर क्षेत्र रक्षक चिंटू काले जी जैसे कि मैच समय पर शुरू हो सके। वाइड गेंद और इतनी अच्छी विकेट कीपिंग एक और वाइड गेंद फाइनली इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में सांसद का क्रिकेट प्रतियोगिता का निरंतर आयोजन हो रहा है। आयोजन के बीच आज छिंदवाड़ा नगर निगम की महापौर 11 और आयोजन सांसद कप आयोजन समिति के बीच एक प्रदर्शन मैच एक फ्रेंडशिप मैच रखा गया है। एक पारिवारिक वातावरण में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए इस तरह का एक प्रदर्शन मैच रखा गया जिसमें हमारे महापौर 11 में सभी पार्षद लोग खेल रहे हैं अपने प्रदर्शन कर रहे हैं खेल रहे हैं। साथ ही साथ आयोजन समिति के सांसद का क्रिकेट आयोजन समिति के सदस्य हैं उन लोग भी अपने सब टीम में भाग लेके खेल रहे हैं और आज ये मैच जो है ये एक प्रदर्शन मैच है। इसका कोई टूर्नामेंट से कोई मतलब नहीं है लेकिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए मैच का आयोजन। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरेब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन की मुहिम जारी शुक्रवार को पाटाढाना में 11 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। जिला भाजपा के संगठन पदाधिकारियों की कामकाजी बैठक में तैयार हुई आगामी रणनीति विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक्शन मोड में। बुधवारी क्षेत्र में महिला की दुकान पर रात में अनजान शख्स ने लगाई आग सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो पुलिस कर रही मुस्तैदी से तलाश। और संक्रांति पर शहर पतंगबाजी को तैयार 11 फीट की विशाल पतंग बनाई गई शनिवार को मनाया जाएगा पतंग उत्सव।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।